हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहां पर वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा जो वैकेंसी इन्वाइट की गई है वो है आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट फॉर ड्राइवर के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ड्राइवर की वैकेंसी है इसके लिए आप कर सकते हैं इसको अप्लाई ऑनलाइन। और यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है इसकी डिटेल और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो भी आपको चेक करनी है एलजीटी कंडीशंस वो आपको मिल जाएंगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर फ्रेंड्स जो इसके अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है वो 20 फरवरी 2020 से 4 मार्च 2020 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन या फिर अदर नेशनल कैंडिडेट इसमें एप्लीकेबल है, मतलब ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है यदि आप इसमें एलिजिबल हैं तो। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो पोस्ट है ये अभी टेम्परेरी बेस पे है, उसके बाद ये परमानेंट की जा सकती हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स जो स्केल ऑफ पे है आपकी 22,700 रुपये आपकी सैलरी रहेगी, स्केल नंबर 6 रहेगा। टोटल जो आपको सैलरी मिलेगी वो आपको मिलेगा 25,924 रुपये पर मंथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी अलाउंस है या फिर जो भी एचआर आपको मिलेगा वो फ्रेंड्स 1/1/2020 के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। यहाँ पर जो ड्राइवर पोस्ट है जनरल के लिए 165 पोस्ट रहेंगी, एससी के लिए आपकी 66 पोस्ट है, एसटी के लिए 18 पोस्ट है, ओबीसी की ए कैटेगरी के लिए 30 और बी के लिए 21 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई भी पोस्ट यहाँ नहीं रहेगी और टोटल जो पोस्ट हैं वो 300 पोस्ट आपकी यहाँ रहेंगी, 300 पोस्ट रहेगी। अब यहाँ पर कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, तो 8वीं क्लास पास होना आपका ज़रूरी है, डीएल आपके पास होना चाहिए और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग में। साथ में फ्रेंड्स आपको जो व्हीकल है उसको रिपेयर करने की नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए हैवी व्हीकल को सही करने का 2 साल का। यहाँ पर फ्रेंड्स जो एज लिमिट है वो 40 साल रखी गई है और ये आपकी काउंट होगी 1/1/2020 को। और यहाँ पर जो फीस है वो 160 रुपये आपकी रहेगी। ये फ्रेंड्स आपको जनरल ओबीसी कैंडिडेट को देना होगा, मेनली जनरल कैंडिडेट जो अदर स्टेट कैंडिडेट है वो भी जनरल में ही काउंट होंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो एससी एसटी कैंडिडेट है वेस्ट बंगाल के जो पीएच कैंडिडेट है उनको फ्रेंड्स यहां पर कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है और आप जीआरपीएस गवर्नमेंट रिसिप्ट पोर्टल सिस्टम के द्वारा इस पेमेंट को कन्फर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो ओबीसी कैंडिडेट हैं जिनकी कैटेगरी ए और बी है उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा फीस में। और आपका जो ये फॉर्म है वो फ्रेंड्स क्लोजिंग डेट से पहले आपको फिल करना है, नहीं तो ये फॉर्म आपका एलिजिबल नहीं माना जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्लेम करते हैं कैंडिडेट एससी एसटी बीसी कैंडिडेट उनको सर्टिफिकेट शो करना होगा, वेस्ट बंगाल के द्वारा जारी जो कंप्यूटर अथॉरिटी है उनके द्वारा जारी कास्ट सर्टिफिकेट के थ्रू, नहीं तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जनरल में ही काउंट किया जाने वाला है। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जो फर्दर इन्फॉर्मेशन हैं आपके रिजर्वेशन से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है आपको जो क्लोजिंग डेट है वो 4 मार्च आपकी रहेगी, शाम 8 बजे तक या रात 8 बजे तक आपको फॉर्म को फिल करना है और कोई भी प्रिंट आउट या हार्ड कॉपी सेंड करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो डिटेल्स हैं जिसमें अगर बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए, तो शॉर्ट लिस्टिंग होगी जो कैंडिडेट की, प्रीमिल जो ड्राइव स्किल टेस्ट है उसके थ्रू, और उसके बाद 3 टाइम कैंडिडेट बुलाए जाएंगे यहाँ पर जो ड्राइविंग टेस्ट होगा इनका उसके बेस पर, और इसके बाद आपका यहाँ पर इंटरव्यू किया जाएगा। अब ड्राइविंग स्किल टेस्ट जो है वो फ्रेंड्स 85 नंबर्स का रहेगा, इंटरव्यू आपका 15 नंबर्स का रहेगा, टोटल ओवरऑल 100 मार्क्स का आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। और ये इस नोटिफिकेशन में आपको इतना ही दिया गया है और इससे रिलेटेड फ्रेंड्स जानकारी जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे jobrasta.com पर, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। यदि आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।